दोस्तों इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ इस एलईडी म्यूजिक बल्ब की। जी हाँ दोस्तों, ये जो बल्ब है काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स के साथ में आता है, काफ़ी यूनिक गैजेट है ये एक। तो अगर आप अपने होम को डेकोरेट करने के लिए कोई यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक गैजेट ढूंढ रहे हैं तो आप इसको बेफिक्र होकर के बाय कर सकते हैं भाई। इसकी हेल्प से आप अपने घर में एक छोटी सी नाइट डिस्को पार्टी अरेंज कर सकते हैं, और अगर आप अपने फ्रेंड के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो भी आप अपने फ्रेंड को ये गिफ्ट कर सकते हैं, उसको सच में काफ़ी ज़्यादा यार पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये एलईडी म्यूजिक बल्ब आता है। और यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये एक लोकल चाइनीज कंपनी का बल्ब है, कोई ब्रांडेड है, प्रीमियम क्वालिटी का बल्ब नहीं है। तो इसके यहाँ पर बॉक्स में जो भी की हाइलाइट्स, जो भी पॉइंट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, इनमें कुछ गलत भी हैं तो आप इसको सच मत ना मान लेना। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है वैसे कि इसमें 7 वाट की एलईडी पावर दी गई है और जो स्पीकर है वो भी 3 वाट का है और ब्लूटूथ वर्जन इसमें 3.0 है। तो चलिए खैर फटाफट से बॉक्स को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो भाई एक तो ये हमें एलईडी बल्ब देखने को मिल जाता है जिसमें स्पीकर भी है, और एक ही रिमोट बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। खैर रिमोट पर बात करने से पहले अगर मैं बात करूँ इस एलईडी बल्ब की, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से। इसका जो प्राइस है वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे चल करके बताऊंगा। वैसे यार इस एलईडी बल्ब की खास बात ये लगी कि यहाँ पर हमें इनबिल्ट नॉर्मल होल्डर देखने को मिल जाता है, तो अलग से हमें कोई होल्डर में पैसे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइट है उसकी रोशनी हमें देखने को मिल जाएगी। और भाई बात करें अगर हम इस एलईडी म्यूजिक बल्ब के रिमोट की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिमोट इसमें हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हमें इसकी जो ये पन्नी है ये बाहर निकाल लेनी है, जो कि सेल और रिमोट के बीच में लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेल हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और भाई सामने की तरफ यहाँ पर काफी सारे बटन दिए गए हैं, लगभग 24 बटन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से लगभग 12-13 जो बटन है वो लाइट के कलर्स के हैं। और ये सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका फ्लैश मोड टेस्ट करवाने के लिए एक इसमें गाना चला करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्लैश मोड से जो लाइट होती है एलईडी बल्ब की वो म्यूजिक की बीट के हिसाब से डांस करती है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस बल्ब को ऑन किया, कुछ इस तरीके की हमें साउंड सुनाई देती है, और जैसे अब मैं इसको अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट करता हूँ तो अगेन एक कुछ साउंड इस तरीके की हमें सुनाई दे जाती है। अब गाइस आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तो ये फ्लैश मोड में जो इसका लाइटिंग इफेक्ट है मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और स्ट्रोब मोड जो है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम करता है, इसमें नॉर्मली बस जो लाइट के कलर्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, और अगर हम फेड मोड पर जाते हैं तो यहाँ पर जो लाइट है कुछ इस तरीके से डिम इफेक्ट में चेंज होती है, आप देख सकते हैं। और इन दो बटनों से हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं इसको तो जो म्यूज़िक है वो बजता रहेगा, बस जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। और इन तीनों बटन से हम इसके जो म्यूज़िक है उसको प्ले पोज या प्रीवियस ट्रैक या नेक्स्ट ट्रैक में भी मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो RGB W या फिर अलग अलग कलर्स के बटन है, इससे हम कोई सा भी कलर जो है इसमें सेट कर सकते हैं। और दोस्तों 475 रुपीज़ में आप इस प्रोडक्ट को अमेजन से बाय कर सकते हैं, इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करूँ अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना साउंड क्वालिटी से। और यहाँ पर स्पेशली जो ये सारे कलर्स हैं मुझे काफ़ी प्यारे लगे, और यार स्पेशली जो फ्लैश मोड है जिसको हम डिस्को मोड भी बोल सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है म्यूजिक की बीट्स के हिसाब से। और भाई वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी एलईडी बल्ब की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो बता दें कि डेफिनेटली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो ये रिमोट है इसकी बिल्ड क्वालिटी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, काफ़ी चीप क्वालिटी की यार ये फीलिंग देता है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होगा। लेकिन घुमा फिरा की बात आती है प्राइस और फीचर्स वाले रेशियो में, जिस प्राइस पर ये मिल रहा है प्रोडक्ट उसके हिसाब से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स कूट कूट के भरे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी पेंडिंग है तो यार आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो फटाफट से भाई इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।